जय दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, हम लोग एज पढ़ रहे हैं, एज का तीन पार्ट पढ़ चुके हैं, थ्योरी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, आज पार्ट फोर है, वो आगे बढ़ेंगे। अब मैं डेढ़ शॉर्ट भागूंगा, एक्स मानते थे, एक्स भी माने, एक्स भी मान के बता देंगे, लेकिन डायरेक्टली हम एज में आएंगे, आगे बढ़ जाएंगे या पीछे हट जाएंगे। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए। तो कराए मोहन और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, सीखेंगे बहादुर, यहाँ पे पुत्री के निकालना है, तो अपडेट हम सीखेंगे, ध्यान देंगे। अगर हम एक समान लेंगे, ध्यान देंगे, एक समान के चलते हैं, तो 5 वर्ष बाद इतना ना हो रहा है, तो वर्तमान में ए हो गया, बी हो गया, थोड़ा फास्ट चलेंगे, वो हो जाएगा 3x, ई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 वर्ष बाद दोनों बढ़ जाएगा, 5 वर्ष बाद होगा दोनों, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, आई बढ़ जाएगा, यू 5 साल बाद बढ़ेगा। ये 5 साल बाद का रेशियो कितना दिया हुआ है, सॉरी, ये 5 साल बाद का आपका दिया हुआ है, 5 साल बाद का रेशियो कितना दिया हुआ है, इतना का दिया हुआ अनुपात इतना हो जाएगा, कितना, 7:3, इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 3x अनुपात में बटा हुई होता है, प्लस 5 बटा होगा x प्लस 5 बराबर 7/3, इसको हल कर लेंगे ऐसे करके, ये निकल जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, तो ऐसा बताया हुआ है, पूछना नहीं है, पहले भी बता चुके हैं। अब कह रहा, देखिए, वर्तमान में 3:1 का अनुपात है रेशियो नियम से, 5 वर्ष बाद, कह रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा। मैंने बोला था कि अंतर सदा समान रहना चाहिए, ये वर्तमान में प्रेजेंट में कितना बड़ा छोटा है, 2 साल के हैं, 5 साल बाद कितना का अंतर हो गया, 4 साल के, गलत बात है ऐसा, इसमें अंतर कितना का है, 2 साल का, इसमें अंतर है 4 साल का, हम अंतर समान करते हैं, अंतर समान करते हैं, इसमें अंतर 4 का है, तो इसमें सीधे 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा बराबर, 2 से गुना कर देंगे, इसमें कितना से करें, इसमें अंतर है 4 का, इसमें अंतर है 4 का, इसमें अंतर है 2 का, इसमें अंतर है, नहीं तो कर भी सकते हैं, इसमें अंतर है कितना, 4 का, यहाँ 4 कर दीजिए, इसमें अंतर है 2 का, तो 2 करके बात बराबर है, बात बराबर है ना, है तो कैसे भी काट देंगे, 2 खाली बचता। चलिए, कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 हो गया, ये बच गया था 6 हो गया, ये हो गया था 14 हो गया, देखिए 1200 हो गया, 14, 400 हो गया, कितना यहाँ पर कितना अनुपात था जी, 2 से गुना होगा ना, गलती कर दिए, इतना यहाँ पर अनुपात कितना था, यहाँ पर 3 था, 3 गुना 2 हो जाएगा, 6 हो गया, 400 हो गया, 6 12 हो गया, 14, यहाँ 2, कह रहा 5 वर्ष बाद यहाँ ऐसा हो रहा था, यहाँ 2 वर्ष बाद, देखो 1200 हो गया, 2 वर्ष बाद ना हुआ, 5 वर्ष बाद की तुलना 2 वर्ष बाद किसे, जिसको निकालना, सुना क्या निकालना, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र के कितना है, 4 ना है, यहाँ पे 4 ना आया था, 4 से गुना कर दीजिए, 5 10 साल हो जाएगा, अथवा ऑप्शन से भी चलेंगे तो ध्यान देगा, ऑप्शन से कैसे चलेंगे, करा पुत्र के 1 से गुना होना चाहिए, 1 से 1 के मल्टीपल सब है, लेकिन एक चीज करा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हमारा कितना से कटना चाहिए, 3 से, यानी 5 जोड़ के 3 से भाग, इसी में हो रहा है 5 जोड़ के, अगर 5 जोड़ते हैं तो 20 हो, 3 से भाग नहीं होता, कट गया, 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, नहीं 33 होता, नहीं होता, 5 जोड़ते हैं 13 हो जाता है, 3 से भाग है, नहीं है, इसमें 5 जोड़ के 3 से भाग देते, आंसर हो गया, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन से निकल जाएंगे डायरेक्ट भी, आगे ध्यान देंगे, करा 6, ध्यान देंगे, 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात 6:5 था, 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? ये सब बताया हुआ है, फिर भी एक समान के और सीख लीजिए, ये हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, देखो ए ध्यान देंगे कैसे करते हैं, ए है और बी है, करा 6 साल पहले कितना उसका आयु का अनुपात है, ये हो जाएगा 6x, तो ये हो जाएगा 5, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखें बहादुर, इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, ध्यान देंगे 4 वर्ष बाद उसका आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 6x + 10 होगा, डेट में सिखाया था इसके पहले, क्योंकि पूर्व से वर्तमान, पूर्व से बाद आना था, जुटता है, बताया था 6 4 10 लिखेंगे, तो इसको वर्तमान में लावेंगे तो लिखेंगे कितना, 6x + 6 लिखेंगे, 5x + 6, फिर 4 साल नीचे जाएंगे तो ऐसे डेट लिखेंगे, इतना का अनुपात ये हो जाएगा कितना, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा ना, इतना का अनुपात कितना दिया हुआ है, 11:10 कितना हो गया, 10 हो गया, एक तो ऐसे बना लेंगे, एक नियम से ऐसे बन जाएगा, अथवा चाहते को बटा में लेके चल सकते हैं, तो 6x + 10 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 5x + 10 = कितना, 11/10, इससे भी हल कर लेंगे, एक से वैल्यू ये कर लेंगे, ये भी कर लीजिएगा, एक से मान कुछ आ जाएगा, अब रेशियो नियम से कैसे चलेंगे ध्यान देंगे, ए तथा बी के, ए ध्यान देंगे, ए तथा बी के उम्र में कितना का 6:5 का अनुपात है, कब, 6 साल पहले, ठीक है 6 साल पहले, तो आप ध्यान देंगे 4 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा, सीखेंगे
ये दोनों में के साल का अंतर, एक साल का अंतर है, इसमें भी एक साल का अंतर, बात बराबर है, अंतर सदा समान है। तो यहाँ के साल बाद हो रहा है 6 साल 10 साल बाद ऐसा ना हो रहा है, 6 साल पहले को रहे 4 साल बाद 10 साल बाद ऐसा हो रहा है, यहाँ के साल बाद ऐसे हो रहा है। देखिए 6 से हो गया 11, 10 से हो गया 5 से हो गया 10, 5 साल पहले ना, ये समझ में आ गया। दिया के तुलना दिया से या बाद के रेशियो, या 10 साल बाद ऐसे हो रहा है, 1 साल बाद हो रहा है, 5 साल बाद हो रहा है, 10 साल बाद के तुलना 5 साल बाद के रेशियो से, जिसको निकालना उसको ना करा बी की वर्तमान आयु। अगर बी इससे निकालते हैं तो 6 साल पहले का निकलेगा, 6 वर्ष पहले का। अगर इससे निकालते हैं 4 वर्ष बाद का निकलता है, जिससे भी निकाल सकते हैं। अगर इससे गुना करते हैं तो 5 से 5 कट जाएगा। ये कब निकला है, 6 साल पहले का निकला था, 6 जुड़ जाएगा तो 10 से 16 हो जाएगा। अथवा इससे हम निकालना चाहते हैं, इससे निकालना चाहते हैं तो कितना हो 10/5। अगर हम निकालना चाहते हैं इससे रेशियो के, सॉरी अगर इससे रेशियो निकालना चाहते हैं तो 10 हो जाएगा। तो 10 वर्ष होगा कब, 4 साल बाद ना, तो आज 4 घट जाएगा, 5 दुनी के 10 हो गया ना, 10 दुनी के 20, 20 में से 4 गया तो 16 बन जाएंगे। ये डायरेक्ट ऑप्शन से भी बन जाएगा, कैसे ध्यान देंगे। अगर आप 6 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था, किसका निकालना है, पुत्र का निकालना है, बी का निकालना, बी का 5 से गुना होना चाहिए, कितना घटा के 6 घटा के 5 से भाग, 6 वर्ष पहले ना है तो 6 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा, यानी 6 बचाएंगे तो 15 नहीं बचेगा, 6 घटा 14 बच जाएगा, ये नहीं कट रहा है अच्छे, इसमें कितना घटा, इसमें घटा देंगे 6 घटा देंगे तो 12 बच जाएगा ना, 5 से नहीं कटेगा, 6 घटा देंगे तो कटेगा, कट जाता है, 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, नहीं कटता, ये आंसर हो गया। ऑप्शन से निकल जाएंगे या ऑप्शन मेथड से डायरेक्ट चल जाएंगे, यानी क्या किए हम, 6 वर्ष पहले में था तो 6 घटा के कितना से भाग दिए, 5 से भाग, जो ऑप्शन टकराएगा वो आंसर मार देंगे। आगे बढ़िए, कम समझा रहे हैं चूंकि बताया हुआ है। अगर जो विद्यार्थी मेरा नया वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखेगा, पार्ट 3 थ्योरी पार्ट को देखेगा, तब पार्ट 4 पे आएगा। अगर बिल्कुल सीखना कि मैथ में हम हीरो बन जाएं तो सबसे पहले रेशियो देखना है, रेशियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 थ्योरी, उसके बाद बुक सॉल्यूशन बना, तब यहाँ पे आना है। चलिए ध्यान देंगे, अब बता देते हैं, सीखेंगे डायरेक्ट भी आंसर होगा लेकिन सीखना है। 1 वर्ष पूर्व सलमान तथा रोहित का आयु का अनुपात इतना था, 1 वर्ष पूर्व था जी, देखिए सीखेंगे, 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा तो वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान आयु का जोगफल पूछता है, सीखेंगे अभी। ए है, सॉरी नो 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 नो, एक बता देते हैं, ध्यान देंगे, 1 वर्ष पूर्व सलमान है, सलमान है और रोहित के उम्र का अनुपात इतना, 1 वर्ष पहले कितना है, कह रहा है कितना, ये 3x, तो ये हो जाएगा कितना, 4x हो जाएगा, वहाँ दिया हुआ ऑलरेडी। 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये 2 साल जुट जाएगा ना, मैं बोला था कि पूर्व से आना है कितना, पूर्व से आना है बाद, जुटता है तो दोनों जुट जाएगा, क्यों जो बच्चे सिखाया हुआ है थ्योरी पार्ट बताए हुए हैं, अभी कितना हो जाएगा, 3x+ हो जाएगा 2, इस सब का अनुपात कितना हो दे रहा है, 1 वर्ष बाद इतना, एक तो आंसर इसे निकाल देंगे, 5 अनुपात 4 है, 5 अनुपात 4 बताए थे कि भीड़ गुना भीड़ से, दूर के गुना दूर से बताया हुआ है रेशियो में, याद करिए। अथवा लिख सकते हैं 4x+2/3x+2=5/4, इसको से हल कर देंगे, एक से वैल्यू निकल जाएगा, जो निकालना आंसर कर देंगे। फर्स्ट नियम हो गया ना, फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड में देखिए, थर्ड में कैसे निकालेंगे, थर्ड में रेशियो मेथड आते हैं, ध्यान देंगे, सलमान है और रोहित है, अनुपात 4:3 कब है, 1 साल पहले ना, 1 साल पहले है, 1 साल बाद कितना रेशियो हो जाता है, 5:4 हो जाता है, ये समझ में आ गया। ये दोनों में एज में कितना का अंतर है, 1 का, इसमें भी 1 का, बात बराबर हो गया। तो के साल बाद ऐसे हो रहा है, 1-1 2 साल बाद ना आ रहा है, 2 साल बाद हो रहा है, क्योंकि 1 आए तो वर्तमान में आएगा तो 1 होगा, फिर नीचे आएगा 2 हो गया, यानी 2 साल बाद हो रहा है, यहाँ के साल बाद ऐसे हो रहा है, देखिए अंतर यहाँ कितना का है, 1 का ना, निकालना किसका है, इनके वर्तमान वायु का जोगफल, तो वर्तमान में कितना होगा, कितना हो गया, 7 हो गया, 7 5 5 4 3 7 कब होता है, 1 साल पहले ना, आज कितना हो जाएगा, 1 साल दोनों बढ़ जाएगा तो 2 से जुड़ जाएगा, 7 14 2 16 16 साल है इसमें आंसर, कहाँ पे 16 हो जाएगा। अथवा ऑप्शन से देखते हैं, चलेंगे ऑप्शन एक से और कर सकते हैं, ध्यान देंगे, ये भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ध्यान देंगे, रेशियो में से चलते हैं, 4th से देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये दोनों में अंतर एज का 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें कितना अंतर है, इसमें अंतर कितना है, 1 का ना, 1 का अंतर है, जबकि यहाँ अंतर कितना का है, यहाँ पूर्व 1 साल पहले के रेशियो है, 1 साल बाद के रेशियो में देखिए 4 से हो गया 5 3 से हो गया 4, 1 का ना अंतर है, यानी 1 का वैल्यू कितना, 1-1 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, निकालना किसका है, निकालना इसका जोगफल, तो अगर इससे लेकर चलते हैं तो 4-7 का वैल्यू कितना होगा, 14 हो जाएगा, 14 आया है कब, 1 साल पहले ना, 1 साल पहले 14 आया तो 2 व्यक्ति 1 साल और जुट जाएगा, यानी वर्तमान में हो जाएगा 16 साल, कैसे हो जाएगा। 5th नियम में चलेंगे, 5th में ऑप्शन से चल के देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए क्या निकालना है, इनके आयु का जोगफल निकालना है ना,
तो अगर ध्यान देंगे, अगर हम इससे निकालते हैं एक बार पूर्व से निकालते हैं तो दो घटा के कितना से भाग होना चाहिए, सात से, क्योंकि जोग 4 3 7 होगा, तो दो अगर हम इसमें घटाते हैं तो दो घटाते हैं तो 7 से भागा हो रहा है, हो रहा है। अगर दो इसमें घटाते हैं तो दो हो रहा है भागा 7 से, नहीं हो रहा। दो घटाते हैं तो 7 से भाग हो रहा, नहीं हो रहा। दो घटाते हैं तो 7 से हो रहा, नहीं हो रहा। डायरेक्ट ऑप्शन से इसको निकल जाएंगे बिना बनाए हुए। आगे बढ़ते हैं, कम समझा रहे हैं चूंकि बताया हुआ सारा चीज़ है, इसको भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, फिर सीख लीजिए। दोनों नियम लेकर चल रहे हैं। 6 वर्ष पूर्व सविता सुरेश, क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ जी। सविता है और सुरेश है, सविता 6 साल पहले ना है, 6 वर्ष पूर्व करा, 6 वर्ष पूर्व सविता तथा सुरेश की आयु का अनुपात इतना है, 6:5 है, तो 6 साल पहले चलते हैं, कितना है, सविता है 6x, ये कितना है 5x। अब क्या करा ध्यान देंगे, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 6 × 10 जुटेगा इसमें, भाई सब चीज़ सिखा दिए हैं कि पूर्व से बाद आते हैं जुटता है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 10। तो नहीं समझे तो फिर समझिए, वर्तमान में आएगा तो कितना हो जाएगा, 6x + 6 होगा तो वर्तमान में आ गया, वर्तमान में आएगा 6 साल आएगा नीचे, तो 4 साल बाद जाएंगे तो 4 और जुड़ेगा, तो 6 × 10 हम लिख सकते हैं, ये 6 × 10 डेट हम लिखे हैं जी। इतना का रेशियो कितना हो जाता है, 11:10 हो जाता है। मेथड फर्स्ट हो गया, इसे हल कर लेंगे, फर्स्ट हो गया। सेकंड से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही हो जाएगा 6x + 10 / हो जाएगा 5x + 10 = हो गया 11/10। एक तो इसे हल कर लेंगे, सेकंड थर्ड नियम चलेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, सविता है और सुरेश है, ध्यान देंगे सविता है और सुरेश का 6 वर्ष पूर्व पहले कितना अनुपात है, 6:5 है। अगला 4 वर्ष बाद कितना होता है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 10:11 हो जाता है। सबसे पहले दोनों बड़ा छोटा 1 साल का अंतर है, यहाँ भी बड़ा 1 साल का अंतर बात बराबर है, यहाँ 6 साल बाद ऐसे हो रहा है 10 6 4 10 साल बाद में हो रहा है, यहाँ 6 साल बाद ऐसे हो रहा है, कितना का अंतर है, 6 से हो गया 10 और 5 से 11 6 साल का अंतर हो गया, वो गलती अंतर सेम नहीं है जी, 11:10 है, गलती लिखनी, कितना है 11:10 है, वही बोल रहे कैसे गलती हो गया, वहाँ पर दिया हो 11:10 है, तो ये देखो ना 5 साल ना हो गया, वो 5 साल का अंतर हो गया, 6 से हो गया 11 5 से हो गया 10, तो 5 साल का डिफरेंस है, 5 साल का डिफरेंस है, यहाँ 10 साल का बोल रहा था, यहाँ 5 साल कैसे बात हो रहा है। निकालना क्या है, निकालना है सुरेश की वर्तमान आयु अगर इससे निकालते हैं तो 6 साल पहले का निकलेगा, तो 6 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, 6 जुट जाएगा। अगर इससे निकालते हैं हम रेशियो से तो कहता हूँ 10/5 सुरेश का ना, तो 10 हो जाएगा, कब निकलेगा 4 साल बाद ना, तो 4 साल पहले चल जाएगा और 4 घट जाएगा, हल करिएगा आंसर आपका आ जाएगा, बन जाएंगे, कटता है तो काट दीजिए, 5 × 10 तो 4 कितना हो गया, 10 × 20 में से 4 गया, 16 साल है कहाँ पे, 16 B हमारा आंसर आ रहा है। अगर अगला नियम चलेंगे, कितना नियम ऑप्शन चलेंगे, फिफ्थ नियम चलेंगे तो फिफ्थ से भी देखे सीखेंगे, 5वां नियम से कैसे बनेगा जो ध्यान दीजिए, पांचवा नियम से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ से चलेंगे कैसे ध्यान देंगे, देखिए 6 साल पूर्व, 6 साल पूर्व 4 साल बाद कितना का अंतर है, 10 साल का अंतर है, कितना का अंतर है, 10 साल का, 10 साल का, 10 साल का अंतर हो गया, यहाँ यहाँ करा 10 साल बाद ऐसे हो रहा, रेशियो हो रहा है, यहाँ 6 साल हो रहा है, देखिए रेशियो में 6, सबसे पहले अंतर समान है, एक का है, यहाँ भी अंतर एक का, दोनों में 6 से हो गया कितना 11:5 बढ़ गया, 5 से हो गया कितना 10:5 बढ़ गया, दोनों में अंतर समान है, यहाँ 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो हमको निकालना सुरेश का वर्तमान आयु, तो देखिए कितना, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू 2 हो गया, अगर इससे सुरेश निकलते तो कितना हो गया सुरेश, 5 × 10 6 साल पहले, 6 साल पहले ना बोलते नहीं है, तो 5 × 10 = 6 = 16 हो जाएगा। और भी चलेंगे, 6 नियम से भी चल सकते हैं, तो 6 से चलेंगे, इससे चलेंगे, ऑप्शन से चलते हैं, क्या चलते हैं, ऑप्शन से चल के दिखा देते हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान देंगे, कह रहा कि 6 वर्ष पूर्व है सविता तथा सुरेश के आयु का अनुपात इतना है, तो कितना, सबसे पहले सुरेश निकालना, क्या निकालना है सुरेश, तो सुरेश 5 से कटना चाहिए, कब, कितना घटा गया, 6 साल पहले ना, क्योंकि वर्तमान का एज दिया हो, क्या क्या हुआ उनका वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान के तो 6 साल पहले छोटा ना होगा, 6 साल का, यानी 6 घटा के कितना से भाग करेंगे हम, 5 से करेंगे, तो 6 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, घटता है तो 12 ना हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, अगर 6 घटाते हैं तो 10 हो जाता है, ये कट जाता है बहादुर, यही लगा हो जाएगा, 6 घटाते हैं तो 16 हो जाता है, कटेगा ना, 5 से नहीं कटेगा, 6 घटाएंगे तो नहीं कटेगा, हमारा आंसर डायरेक्ट मार देंगे, ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर मार देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बता देते हैं, फिर बना लीजिएगा इसको भी, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है। करा 10 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात निकालना, तो डायरेक्ट बन जाएगा, ध्यान देंगे। चलो थोड़ा समय बता देता हूँ, थोड़ा समय बता, देखो सीखेंगे। 10 वर्ष पूर्व ए है और बी है, 10 साल पहले रेशियो कितना है? 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी है, यानी ए है एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, आधा हो गया। अब कह रहा है यदि उनके वर्तमान आयु, तो वर्तमान आ जाएगा तब कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु होगा तो होगा एक्स प्लस 10, आयु हो जाएगा 2x प्लस। यदि उनके वर्तमान आयु के अनुपात दिया हो, वर्तमान आयु में अनुपात कितना है? 3:4 है। इसे हल कर लीजिएगा, हल्के और बताए थे, नज़दीक के नज़दीक से या दूर के, दूर के दूर से बताया हुआ है जी। ये बन जाएगा, अथवा इसको कर देंगे कितना, एक्स प्लस 10 बराबर 2x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 3/4। इससे हल कर लेंगे, इससे भी आ जाएगा आंसर आपको। थर्ड नियम से चलते हैं, थर्ड से कैसे बनेगा बताया हुआ सब है। थर्ड से चलेगा क्या है, ए है ना, ए है और बी है, डायरेक्ट भी आंसर होगा। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी है, ए की आयु जो है, करा ए की आयु जो है बी की आयु की आधी थी, बी की। अब प्रेजेंट में अंतर कितना है, प्रेजेंट में आपका अंतर है 3:4 का अंतर है, यहाँ 1 साल का अंतर है, यहाँ भी 1 साल का अंतर है। ऐसे करा कि 10 साल में ऐसा हुआ है, यहाँ के साल में हुआ, देखिए 2 से हो गया 4, 1 से 3, 2 साल बाद हुआ ना ऐसा, दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको ना, क्या निकालना है, 10 साल बाद उनकी आयु का योग, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 4 3 7, ये प्रेजेंट 4 3 7 ना होगा, जिसको निकालना उसको ना, प्रेजेंट का वैल्यू ले लिए, लेकिन इतना प्रेजेंट का नहीं हो रहा, 10 साल बाद उनका आयु का योग, तो 10 साल ए भी बढ़ेगा, 10 साल बी भी बढ़ जाता है, 20 जोड़ देंगे, हाँ 20 जोड़ दीजिए इसमें, तो 5 हो गया, 5 7 35 20 55 साल आ जाएगा, बन जाएंगे आंसर, बन जाएगा बहादुर। अगर यहाँ एक से निकालेंगे, हल करेंगे, तो एक का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, एक से वैल्यू आ जाएगा आपका, एक का वैल्यू 5 आ जाएगा, एक से वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एक से वैल्यू 5 आ जाएगा। अब पूछेगा क्या था 10 साल बाद ना, तो आगे वर्तमान निकाल दीजिएगा, वर्तमान ही नहीं निकाला है, प्रेजेंट हम लोग निकाले हैं वैल्यू, यहाँ रखिएगा तो 5 10 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब 5 दुनी के 10 कितना हो जाएगा, 10 5 दुनी के 10 10 20, अब 20 15 कितना, 35 साल ना हो गया, यहाँ तो 35 साल हो गया। अब कर 10 साल बाद दोनों के लिए बढ़ जाएगा, तो 35 20 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यहाँ हल करिएगा ऐसा आ जाएगा। अथवा ध्यान देंगे अगला नियम में, ये डायरेक्ट भी आंसर हो सकता है, सीखेंगे अभी सिखा रहे हैं बहादुर। देखिए इतना के अनुपात में ठीक है आधी था, यानी कितना हो गया अनुपात, ए की आयु बी की आयु शादी था, 1:2 हो गया, सीखेंगे। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, यहाँ एज में 2 साल का अंतर ना है, 1 साल का, यहाँ भी 1 साल का, देखिए कितना हो गया, 1 से हो गया कितना 3, 2 से हो गया 4, 2 से 4 यानी 10, यानी 2 के वैल्यू कितना है, 2 के वैल्यू 10 साल है, 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमको पूछ रहा है कितना वर्तमान का योग, तो कितना हो गया, 7 का वैल्यू 35 हो जाएगा, 7 के वैल्यू 35 आ गया, क्या वर्तमान में 10 साल बाद 20 जुड़ जाएगा, 55 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर कर देंगे, बिना लिखे हुए आंसर भी हो जाएगा। अथवा ध्यान देंगे अगला नियम, छठा नियम में चलेंगे, आगे कैसे बनाएंगे वो ध्यान देना है, अगला नियम ध्यान देंगे सीखेंगे। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनके आयु का योग क्या होगा, ध्यान देंगे 10 वर्ष बाद पूछ रहा है बहादुर, 10 वर्ष क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो 10 वर्ष हमको बाद पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे, यानी जो भी दिया हुआ है 10 वर्ष बाद का ये जवाब दिया हुआ है, जो भी इतना दिया हुआ है ये सब, ये 10 वर्ष बाद क्यों पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद वो पूछ रहा है, तो ध्यान 10 वर्ष बाद ना पूछ रहा है, ये भी 10 वर्ष बाद दिया हुआ है, तो हम कितने साल पहले ले जाएंगे, 10 साल पहले ले जाएंगे, तो 10 साल पहले घटेगा, ये भी 10 साल घट जाएगा, 10 साल बी भी घटेगा, यानी 20 घटा के कितना से भाग, 7 से भाग, 20 घटा के, तो इसमें 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 36 ना हो जाएगा, 20 गुणा 36, 20 में घटाइए, 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 20 घटाएंगे 38 हो जाएगा, 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी कौन कट रहा है, 7 5 5 कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी डेट ऑप्शन से मार्क निकल जाएंगे, 1 सेकंड के अंदर आंसर कर देंगे, सीख गए बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, फास्ट निकाल रहे हैं आप, डायरेक्ट आंसर कर दें, सेम क्वेश्चन है वैसे बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है फिर भी सीख जाएंगे, अगर ऑप्शन से चलना चाहते हैं डायरेक्ट भी आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है 8 वर्ष पूर्व सुनील की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है, अपने पुत्र 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पूर्व पर कितना है, 4 गुनी ना है, ये सुनील अगर 4 है या ये 1 है तो 4 पिता, अगर सॉरी
अगर पुत्र ध्यान देंगे 8 वर्ष पहले, अगर पुत्र एक है 8 वर्ष पहले कर, अगर पुत्र एक है तो पिता चार है, तो देखिए कौन चार गुना, कोई है चार गुना? 8 घटा के 4 गुना होना चाहिए, तो इसमें 8 घटाते हैं, इसमें 8 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये कितना 12 होगा, ये 3 गुना ही गलत हो गया, गलत हो जाएगा, चार 12 हो गया। अगर इसमें हम 8 घटाते हैं तो 11 बच जाएगा ना, इसमें 8 घटाते हैं तो हो जाएगा 13 हो जाएगा, है गुना, इसका गुना है ही नहीं, 4 गुना है ही नहीं। अगर इसमें हम 8 घटाते हैं तो हो जाता है 32, सही घटाते हैं 8 तो कितना हो जाता है 8, 8 चौके 32 सही लगा वैल्यू आ जाता है, बन जाएगा आंसर डायरेक्ट। इसमें घटाएंगे 8 तो नहीं हुआ, 8 घटाएंगे तो 8 4 12 34 ना आ जाएगा, तो कट ही गुना कोई सही है नहीं, 4 गुना नहीं है, 4 गुना ही 832 आंसर, ऑप्शन कर देंगे डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर होगा, बिना बनाए हुए आंसर होगा लेकिन फिर भी सीखेंगे, अब सीखेंगे कैसे बनेगा। जो देखो सुनील है, सुनील है और पुत्र है, सुनील है और पुत्र का है 8 वर्ष पूर्व है, जो उसका अनुपात है कितना 4 गुना, पिता 4 है तो पुत्र 1 है। अब कह रहा 8 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, दुगना हो गया, यहाँ दोनों बाप बेटा में 3 का अंतर है, 3 साल बड़ा छोटा है, यहाँ 1 साल का गलत हो गया। तो ऐसे में अंतर समान करते हैं, तो अंतर नीचे के अंतर से ऊपर गुना करते हैं और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते हैं, तो करेंगे तो 3 दूनी 6 ना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा गुना, 3 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है 6 साल का अंतर है, यहाँ पे है अंतर हो गया 16 साल का, बताए थे यहाँ अंतर 2 साल का है, अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना उसको गुना, क्या निकालना है तो पुत्र, सॉरी अगर निकालते हैं पुत्र का, अगर पिता का निकालते हैं तो 4 से गुना, तो 4 से कब निकाल रहा है, 4 8 वर्ष पहले ना, तो आज 8 जुट जाएगा, ये पुत्र पिता हो गया। अगर पुत्र निकालना है तो अंतर के तुलना अंतर से पुत्र निकालना है तो 1 से गुना, कब निकाल रहा है 8 साल पहले, तो आज 8 जुट जाएगा। आज 8 जुड़ जाएगा ना, अगर संयोग से इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो 6 से गुना, तो फिर 8 साल घट जाएगा, यहाँ पर जो बाद है तो पहले आ जाएंगे, बन जाएगा ये आंसर, हो जाएगा बहादुर। 1 से भी कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1 से बना लीजिएगा, कोई है इसमें जान नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। करा 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने थी, ये भी व्यक्त कर सकते हैं, 10 वर्ष पूर्व कर रहा है ना, ध्यान देंगे, करा सीख लीजिए, 10 वर्ष पूर्व, करा 10 वर्ष पूर्व है एक व्यक्ति है, यानी पिता है, पिता व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 1 है तो 3 है, कब था ये 10 साल पहले था। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, 10 वर्ष बाद ना, तो यहाँ 10 लिख देंगे, 10 वर्ष बाद ये दुगना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बाप बेटा में अंतर 2 का है, यहाँ 1 का है, 1 से गुना करें या ना करें बात है बराबर, इसमें क्या 2 का अंतर है, 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दुनी के 4, 1 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ करा यहाँ अंतर कितना दोनों का है एज में, यहाँ कितना बात हो रहा है 20 साल हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 3 से हो गया, कितना 4, 1 से हो गया 2, 1 साल ना हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ भी 1 साल यहाँ अंतर हो गया, निकालना किसको है, यहाँ पर 10 साल, यहाँ 20 साल बाद ऐसे हुआ, यहाँ 1 साल बाद ऐसे हुआ, दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना, सुनो क्या निकालना है, तो पूछ रहा है वर्तमान में उसकी उम्र पूछ रहा है, आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो पिता निकालेंगे तो कैसे गुना 3 से, पिता निकालेंगे तो ये 3 से निकला कब, 10 वर्ष पहले, वर्तमान में जुटेगा, जट जुट गया, ये पिता हो गया, 20 के तुलना 1 से अगर निकालना है पुत्र, से गुना 1 कब हो गया, 10 साल पहले ना आता, 10 जुड़ जाएंगे, हल करिए, कटता है बीत गया 60 10 70 कितना हो जाएगा 30 ना हो जाएगा, कट गया 1:7:3 आपका आंसर आ गया, 7 अनुपात बन जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए डेट भी आंसर करेंगे तो 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी सीखना है, अभी सिखा देते हैं, 1 से मान के करेंगे तो भी बन जाएगा, 1 से कैसे मानेंगे ध्यान देंगे, 1 और बता देते हैं, मान लो व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति है और यहाँ पर पुत्र है, 10 साल पहले उसका एज कितना हो जाएगा, कितना 3 गुना ना है, पिता है 3 गुना है, तो 3 x हो जाएगा 1 x हो जाएगा, और 10 साल बाद इसका एज कितना होगा, 3x+20 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे बहादुर, 3x+20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x+20, बोलिए क्यों, बताए थे कि पूर्व से बाद आते हैं ना जुटता है, तो अगर इसको लेंगे 3x+10 करेंगे, 3x+10 करेंगे तो वर्तमान में आएगा, अब वर्तमान से 10 साल बाद आ जाएगा, तो 10 और जुड़ेगा तो 20 ना हो जाएगा, इतना के वैल्यू दे, कितना दुगना है, कौन दुगना है, पिता है जो इसका दुगना है, पहले तो इसे हल कर लेंगे, सेकंड मेथड करेंगे तो 3x+20 बटा हो जाएगा 1x+20 बराबर होगा 2/1, आंसर कर लेंगे इससे, सेकंड नियम ऐसे भी आंसर कर लेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा, फिर जोड़ देंगे अथवा ध्यान देंगे सीखेंगे, बोलिए बिना बिना बनाए हुए कर सकते हैं आंसर सर, तो कर सकते हैं सर, कैसे ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, लिख के बनाते हैं तो हम तो डेट बनाएंगे, लेकिन वो सिखा रहे हैं, पिता है या 3 गुना है तो 3 अनुपात यहाँ 1 कर दिया, 3 अनुपात पुत्र से यहाँ दुगुना, दुगुना ना है, 2 अनुपात 1 हो गया, ये समझ में आ गया, यहाँ डिफरेंस है कितना का, यहाँ डिफरेंस है 1 का, यहाँ का 2 का, तो इसमें 4 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा,
अब कितने साल में अंतर देखो, ये 300 हो गया 4, 102, 1 साल का अंतर है, यहाँ 20 साल का अंतर ना है, यानी एक का वैल्यू 20 साल, एक का वैल्यू 20 साल है, एक का वैल्यू 20 साल है, तो पिता निकालना है तो कैसे गुना होगा, बितिया के 60, बितिया के कितना हो जाएगा, बितिया के 60 ना होगा, 60 होगा कब, 10 साल पहले ना, बोलते नहीं 10 साल पूर्व है, आज होगा कितना 70 होगा, 7 का मल्टीपल खोजिए कौन है, यही तो लगता है कटेगा, तो ये बन जाएगा आंसर। डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान देंगे सीखेंगे, ये एकदम सिंपल ही तो बनाने लायक नहीं है, ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग इतना है, सीखेंगे 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना हो तो सी की वर्तमान, ध्यान देंगे, मैंने बोला था कि अगर रेशियो से बनाएंगे, अगर रेशियो से बनाते हैं तो निश्चित राशि को रेशियो के समय बदल देते हैं, तो रेशियो कब दिया हो, कई साल पहले का, देखो रेशियो 6 साल पहले का दिया हुआ है, तो 6 साल पहले इसको ले जाएंगे हम कि वर्तमान में है, तो छुट्टी 18 घट जाएगा, अगर 90 ध्यान देंगे 90 में से 18 घटा देंगे तो कितना दूना हो जाएगा, कितना 8 72 बच जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा, यहाँ बच गया जोग है 72, यहाँ जोग कितना है 5 3 2 5 1 6 ना हो गया 12 6 72, निकालना किसका एज है, सी का ना था, सी कितना है 3 से है, ये 3 साल कब निकला पहले, देखो पहले दिया हो 6 साल पहले का था, 6 साल और जुट जाएगा तो 72 6 42 हो जाएगा, बन जाएगा आंसर 36 42 ना हो जाएगा, लेकिन अगला ध्यान देंगे इसको कैसे बनाएंगे, दूसरा निमित्त जो अगर एक समान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, एक समान के चलते हैं, ध्यान देंगे तो 6 साल पहले ध्यान देंगे तीन व्यक्ति ना है, 6 वर्ष पहले इसका कितना रेशियो दिया हुआ है, 100 हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये क्या होगा 3x होगा, 6 साल पहले है तो वर्तमान में कितना एज हो जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा 6 साल बढ़ेगा, एक्स प्लस 6 हो जाएगा, 2x प्लस सब 6 साल बढ़ जाएगा, 3x प्लस 6 इतना बढ़ जाएगा वर्तमान में, और तीनों का वर्तमान का योग दिया हुआ है 90 बरस, तीनों का योग का कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ, हल करिए तो कितना हो गया, 1 3 2 2 1 3 3 3 6 ना हो जाएगा, ये पर 90 हो गया, घटेगा तो 6 6 12 6 18 -18 घट जाएगा, यानी 6x बराबर आ गया 72 हो गया, 12 6 72 आ गया, कितना x बराबर कितना आ गया, x बराबर 12 आ गया, क्या पूछ रहा है, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु कितना है, सी की वर्तमान हो जाएगा 3x 6 साल पहले के, तो आज हो जाएगा 6 से जुट जाएगा, यहाँ रखिए 3 × 12 + 6 = 36 642 हो जाएगा, ये बन जाएंगे आंसर, अथवा ध्यान देंगे जल्दी लेकर चल रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, दिक्कत होता है, यहाँ ध्यान देंगे डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, सबसे पहले किसका पूछ रहा है, सी की वर्तमान आयु, सी के क्या पूछ रहा है, सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ तीनों का योग दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, अच्छा एक चीज और बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे सी की वर्तमान आयु, सी का प्रेजेंट एज हमको पूछ रहा है, सी का क्या पूछ रहा है, तो ये तो प्रेजेंट दिया हुआ है, सी का सभी यू वर्तमान है, वर्तमान सी का तीनों वर्तमान दिया हुआ है, लेकिन के साल पहले देखो 6 साल पहले का अनुपात कितना है, 6 साल पहले, तो 6 घटा के यानी 6 साल पहले ले जाएंगे इसको, हम 6 घटा के से भाग पड़ेगा 3 से भाग, उसके अनुपात पर समझ में आ रहा है, तो 6 घटाते हैं, ध्यान देंगे इसमें 6 घटाएंगे, ध्यान दें 6 घटाएंगे तो 713 होगा, कभी कटेगा 6 से, नहीं सॉरी 6 घटाते 37 हो जाएगा ना, 37 होगा जी वहाँ पे, अगर हम 43 में 6 घटा देंगे तो 713 होगा, कितना 37 ना हो जाएगा, ये 6 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसमें अगर 6 घटा देंगे 814 कितना हो गया 38 हो गया, कटेगा 6 से नहीं कटेगा, इसमें घटाइए कितना 6 घटाएंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन इसमें 6 घटाएंगे तो कट जाएगा, 42 में अगर 6 घटाते हैं तो 6 हो गया 36 ना हो गया, 36 कट जाएगा, तो बिना लिखे हुए आंसर कर सकते हैं, आगे बढ़िए, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसका और आगे है, देखो इसको भी डायरेक्ट बता देते हैं, सीख जाइएगा, ऑप्शन से बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बनेगा, कराजय तथा सलमान के आयु का जो वही सेम क्वेश्चन है, 60 साल है, 6 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात इतना होगा, 6 साल के बाद उनके उम्रों का अनुपात यह होगा, तो सलमान की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, सलमान की क्या पूछ रहा है, सलमान के सबका प्रेजेंट दिया हुआ है, 6 साल पहले इसमें घटा के कितना से करेंगे, 6 साल बाद पूछ रहा है, 6 साल बाद इसका है, 6 साल बाद इसका अनुपात इतना है, इसमें 6 जोड़ के कितना से भाग देंगे, 6 जोड़ के सलमान कितना है, सलमान 3 5 ना है, 5 देंगे तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 जोड़ देंगे तो 30 होगा, ये तो लगता है कट जाता है, 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा ना, ये कटेगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 6 जोड़ेंगे तो 34 होगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 जोड़ेंगे तो 31 होगा, नहीं कटेगा, हमारा आंसर कौन हो जाएगा, डायरेक्ट बना लेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसके पहले ऐसा सेम क्वेश्चन बता दिए लॉन्ग के, आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ये भी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 ही सेकंड में हो जाएगा, लेकिन फिर भी सीखना है, करा पी और की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष बाद पी क्यू से इतना वर्ष ठीक होगा, मैंने बोला था कि अंतर सदा समान रहता है,
आज अगर हमें 8 साल का अंतर है तो 50 साल बाद भी 8 ही साल का अंतर रहेगा, जितना दिन का रहे। तो वहाँ अंतर है कितना का? 4 साल बाद अंतर कितना है? 8 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना का है? 1 का, क्योंकि 4 साल बाद अंतर वही रहेगा जो प्रेजेंट में अंतर रहेगा, अंतर सदा समान रहता है। तो निकालना पी की वर्तमान आयु ना, पी कितना है? 4 है, तो 4 से गुना करिए, 800 के 32 साल है कहाँ पे? 32 साल नहीं है, 32 हमारा आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। 1 से बिगड़े तो 1 से ही बन जाएगा। चलिए 1 से देखते हैं, ये रेशियो से हो गया, ये को बता देते हैं फाइनल। देखो ये तो देखो अनुपात पर पी या क्यू का कितना है, पी और क्यू के अनुपात वर्तमान में आपको प्रेजेंट में कितना दिया हुआ है? प्रेजेंट में 4x है और 5x है। अब कह रहा 4 साल बाद, 4 साल बाद कितना हो जाएगा? देखिए 4x प्लस 4 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा? 5x। 4 साल बाद उसके कितना अधिक होगा दोनों में? कह रहा 4 साल बाद क्यू है जो ई है जो अधिक है किससे? पी से, तो ये आगे हो जाएगा। तो 4x + 5x + 4 माइनस अधिक, अधिक बराबर अधिक कर रहे हैं जी, इतना इज इक्वल टू 8 करेंगे, हल करिए। तो देखो माइनस होगा तो 1 समझ जाएगा, आई देखो ई चल जाएगा माइनस, ई से कट जाएगा, यानी 1 और 8 हो गया। तो निकालना क्या है? पी के वर्तमान आयु ना, पी के वर्तमान आयु तो पी ही ना है, पी वर्तमान में, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 8 = 32, समझ में आ गया। तो चलिए आज बहुत शॉर्ट बताए हैं, बहुत फास्ट बताए हैं, क्योंकि अगर जो विद्यार्थी नया मेरा वीडियो देख रहा है सबसे पहले पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, तब पार्ट 3, तब पार्ट 4 में आइएगा, मजा आएगा बहादुर। मैथ को चुटकी से मसल दीजिएगा, एकदम गारंटी है। अगर इसमें भी कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा था सबसे पहले रेशियो पार्ट को देखिएगा, थ्योरी में थोड़ा सा थ्योरी बोरिंग होगा रेशियो में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे इंटरेस्ट हमें बढ़ते जाएगा, आपको भी बढ़ते जाएगा। फिर जब बुक सॉल्यूशन पे आएंगे रेशियो का तो फिर इतना मजा आएगा, बोले इतना सिंपल मैथ है। या जो मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनसे पता करिए, उनको पता चलेगा। विदा लेते हैं, फिर से बोल रहे हैं कलम पकड़ के रखिएगा, इसमें बहुत पावर है। दुनिया में जो चीज़ पाना चाहते हैं शिक्षा में बहुत ताकत है, शिक्षा सबसे पहले संपत्ति देता है। अगर सही शिक्षा आपको मिल गया सभी नौकरी का संपत्ति मिल जाएगा। शिक्षा संपत्ति देता है, संपन्नता देता है, समर्थ देता है, सम्मान देता है, संसार को जीतने की ताकत आप में आ जाता है। विदा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।